हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम बात करेंगे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की अपकमिंग मूवी स्पाइडरमैन 3 से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में। तो जैसा कि आप सब जानते हो कि ये अपकमिंग जो मूवी है इसमें हमें मल्टीवर्स देखने को मिलेगा, डॉक्टर स्ट्रेंज देखने को मिलेंगे और भी काफी सारे सरप्राइजिंग कैरेक्टर देखने को मिलेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है हम मार्वल फैंस के लिए, क्योंकि हमें इसमें शायद पुराने कैरेक्टर देखने को मिलेंगे तो हम थिएटर में शायद रो भी सकते हैं इस मूवमेंट के लिए। तो अब आपके लिए गुड न्यूज है कि इस मूवी का फर्स्ट लुक फर्स्ट टीजर कन्फर्म हो चुका है कि कब रिलीज होने वाला है। और जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, टेलीग्राम चैनल ग्रुप पे बताया था और देन उसके बाद इंस्टाग्राम पे भी बताया था, जैसे कि आप मेरी स्टोरी आजकल देख ही रहे होंगे। और अभी तक आपने मेरी स्टोरी नहीं देखी इंस्टाग्राम की, जाके चेकआउट कर सकते हैं। मैंने उसमें डॉक्टर स्ट्रेंज का अपडेट, फर्स्ट लुक कब रिलीज होने वाला इस वीक में, पर फाइनली अब कंफर्मेशन आ चुकी कई हद तक कि आपको फर्स्ट लुक फर्स्ट टीजर देखने को मिलेगा कल के दिन। जी हाँ, 1 जून को टॉम हॉलैंड का बर्थडे है जो कि स्पाइडरमैन का कैरेक्टर प्ले करते हैं, और उनके बर्थडे पे ये टीजर रिलीज करा जाएगा। जी हाँ, कंफर्म हो चुका है। अब टाइमिंग अभी तक कंफर्म नहीं हुई है, तो जैसी टाइमिंग हुई कंफर्मेशन आएगी मैं आपको तुरंत अपडेट कर दूंगा, इसमें मैं कोई देरी करने वाला नहीं हूं। बस कल के दिन फर्स्ट टीजर रिलीज होने वाला है, तो मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और तो और सबसे बड़ी बात कि ये टीजर सही बता रहा हूँ ब्रेक करने वाला है रिकॉर्ड, क्योंकि अब तक शायद इतनी हाइप किसी मूवी के लिए नहीं रही है इस साल 2021 में जितनी स्पाइडरमैन के लिए है। तो होप कल टीजर रिलीज होगा और देन सब कुछ ब्रेक टूटने वाला है जो भी रिकॉर्ड बने हुए अब तक मार्वल हिस्ट्री में। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।